जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पवार करेंगे, डार्लिंग डोंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सबके दिलों पर राज करते हैं, जो चेहरे की खूबसूरती की बजाय दिल की खूबसूरती पे मरते हैं और इनकी बस यही अदा लोगों को दीवाना बना देती है। हम बात कर रहे हैं परना संधावा और राजू दीदी के बारे में, जिनकी वीडियोस हो रही है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी जोड़ी दुनिया में मिसाल बन चुकी है। लेकिन राजू दीदी अगर परनाज को अपना भाई मानती हैं, तो उन्हें हवी करके टैग क्यों किया, इस पर लोगों ने कई सवाल उठाए हैं। आगे चल के मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाने वाली हूँ क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने। आखिर परनाज और राजू दीदी की असली सच्चाई क्या है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सायरा, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, फिर आप जाके कहीं और। परनाज संधावा और राजू दीदी की वीडियोस हो रही है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। और वहीं आज हर कोई जानना चाहता है कि परनाज संधावा आखिर किससे प्यार करते हैं, कौन है वो। आज की वीडियो में हम देंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब। परनाज संधावा दिल के बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने राजू दीदी का साथ दिया। वहीं लोग राजू दीदी से नफरत करते थे और उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन परनाज ऐसे नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और इसी अदा पे परनाज के मिलियंस में फैंस हैं, उनके फैंस उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। आजकल के लोग चेहरे की खूबसूरती पे मरते हैं, लेकिन परनाज ऐसे नहीं है। परनाज राजू दीदी का बहुत ज्यादा सपोर्ट और साथ देते हैं और साथ ही उनकी बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं। राजू दीदी बचपन से ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर दी थी और इसीलिए उनकी मम्मी ने उनकी कम उम्र में शादी कर दी थी। उन्होंने सोचा शादी के बाद शायद राजू दीदी की लाइफ चेंज हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। राजू दीदी की लाइफ पहले से भी और ज्यादा बेकार हो गई। राजू दीदी की शादी के कुछ साल बाद उनके 3 बच्चे भी हो गए थे और पूरी जिम्मेदारी उनके ही ऊपर आ गई। उनके पति उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे। उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से राजू दीदी अपनी मम्मी के पास अपने 3 बच्चों को लेकर आ गईं। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, फिर आप जाके। और इसके बाद राजू दीदी अपनी मम्मी के साथ ही अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए राजू दीदी परनाज के यहाँ काम करने जाती थी और तभी इनकी मुलाकात हुई परनाज संधावा से। परनाज संधावा और राजू दीदी ने एक साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद और सपोर्ट किया। और इसी बीच लोग इनके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगे। लोग जानना चाहते थे कि आखिर राजू दीदी और परनाज का आपस में रिश्ता क्या है। परनाज राजू दीदी को अपनी बहन मानते हैं और दोनों का रिश्ता भाई बहन का है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता होता है। जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पवार करेंगे, डार्लिंग। दोस्तों वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि परनाज और राजू दीदी की वजह से उनके पति राजू दीदी से अलग हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परनाज दिल के बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने राजू दीदी का बहुत ज्यादा साथ और सपोर्ट किया। राजू दीदी की लाइफ परनाज की वजह से पूरी तरीके से चेंज हो गई। अब वो अपने बच्चों की खुशियां और जिम्मेदारियां उठा सकती हैं। परनाज अपनी अर्निंग का आधा हिस्सा राजू दीदी को देते हैं। राजू दीदी के पति ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। राजू दीदी ने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो उनकी वीडियोस तेजी से वायरल होने लगी और जब उनके पति को ये बात पता चली तो वो उन्हें लेने आए और उनसे कहा कि वो वीडियोस नहीं बनाएंगी। लेकिन राजू दीदी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए परनाज के साथ वीडियोस बनाती रही। उन्हें भरोसा नहीं था कि वो उनका साथ देंगे या नहीं। जो इंसान पहले छोड़ सकता है तो वो बाद में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि परनाज राजू दीदी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परनाज दिल के बहुत अच्छे हैं और जो राजू दीदी की हमेशा हेल्प करते हैं। परनाज और राजू दीदी की जोड़ी दुनिया में मिसाल बन चुकी है। लोग इनकी जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
दोस्तों राजू दीदी ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था जिस पर हवी चिकर के टैग किया था परनास के साथ, लेकिन लोगों ने उस पर काफी गंदे कमेंट किए, इसीलिए परनास ने वो कमेंट सारे हाइड कर दिए हैं। राजू दीदी और परनास का रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, तो प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट ना करें। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं परनास रंधावा के रिलेशनशिप के बारे में। तो परनास अभी सिंगल हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है। परनास और राजू दीदी आपको कैसे लगते हैं और आपको इनकी जोड़ी पसंद है या नहीं? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, फिर आप जाके कहीं और मर जाते हैं।